इस बटन का ना बहुत लोगों को बहुत देर से इंतज़ार था और फाइनली आ गया है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले। और ये डांसिंग जीपीएस, डांसिंग कार आपने बहुत देखी होगी, ये डांसिंग जीपीएस देखो। इसके चक्कर में तो बंदा घर ना पहुंचे। वेल हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास है स्कॉर्पियो एन Z6, और पिछला वीडियो जो मैंने माइलेज टेस्ट का डाला था उसमें इसने माइलेज भी कमाल की दिया, उम्मीद से परे दी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको चेकआउट करना मत भूलना, बट इस वीडियो के बाद। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सबसे बड़ी कमी जो इस गाड़ी में थी, जो मैं फेस कर रहा था और ट्रैवलिंग में स्पेशली आपको बहुत अड़चन आती थी उसकी वजह से, और वो था नेविगेशन। अब एक तो एंड्रॉयड ऑटो इसमें है नहीं, ऊपर से जो मेरी नेविगेशन चल रही थी वो फर्स्ट सर्विस के बाद उसकी भी बैंड बज गई थी और ये कार बन चुकी थी डांसिंग कार। कैसे, ये आप देखो। हम स्ट्रेट हाईवे पे चल रहे हैं, कहीं नहीं घूमना, कहीं नहीं करना, और ये डांसिंग जीपीएस, डांसिंग कार आपने बहुत देखी होगी, ये डांसिंग जीपीएस देखो। इसके चक्कर में तो बंदा घर ना पहुंचे। खेतों में ही घुसा होगा बंदा फिर तो। कोई भी गली आसपास आएगी ना वहां घुसाने की कोशिश करेगा कि आप मेन रोड पे नहीं हो, आप लेफ्ट हो या राइट हो या खेतों में हो। ये लो सामने टोल प्लाजा दिख रहा है, ये लो सामने टोल प्लाजा है, वो आ गया। और ये कभी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर तरफ करेगा ये। अब इस प्रॉब्लम को सर्विस सेंटर में मैंने काफ़ी बार दिखाया, बट उनके पास कोई सोल्यूशन अभी तक इसका नहीं था, एंड दे वर वेटिंग फॉर एन अपडेट कि अपडेट आए, शायद नेक्स्ट अपडेट में ये ठीक हो जाए। तो आज हमें कॉल आया सर्विस सेंटर से कि एक एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों का अपडेट आ गया है और वही कराने हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर। तो अब चलते हैं सर्विस सेंटर, अपडेट कराते हैं और चेक करते हैं कि सक्सेसफुल है या नहीं। तो अब हम पहुंच चुके हैं महिंद्रा के डीलरशिप पे, सर्विस सेंटर पे, और अपडेट करवाने वाले हैं सिस्टम को। और जो एग्जिस्टिंग वर्जन है वो है 10.22.64 और अब नया वर्जन आएगा 10.27.64। तो अपडेट के बाद देखते हैं सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं। तो जब तक अपडेट हो रहा है मैं आपको एक बार पुराना मैप दिखा देता हूँ। पुराने मैप ऐसे आ रहे थे, कुछ नेविगेशन ऐसी आ रही थी। अब ये अपडेट स्टार्ट हो चुका है और अब स्क्रीन पे इधर भी आपका डिस्प्ले बंद हो जाता है, आप देख सकते हो, और अपडेट के बाद ही ये चालू होगा। तो अपडेट एक बार हो जाने देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या हुआ है। और जब तक अपडेट चल रहा है एक सबसे ज़रूरी काम आप कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गाइज अपडेट हो गया है ख़त्म। आपको तो फास्ट फॉरवर्ड में दिख गया होगा बट एक्चुअली इसमें टाइम लगा है 1 घंटा। तो अगर आप अपडेट कराने ये जा रहे हो तो 1 घंटा कम से कम निकाल के जाना, इतना टाइम इसमें लगता है। तो अपडेट होने के बाद एक बार फ्लैशिंग लैपटॉप लगा के कर रहे हैं, तो इसके बाद सिस्टम फंक्शनल हो जाएगा, उसके बाद हम दिखाते हैं आपको सिस्टम में क्या चेंजेस आए हैं। तो फ्लैशिंग भी हो चुकी है, अपडेट भी हो चुका है, अब इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं चेंजेस। इस बटन का ना बहुत लोगों को बहुत देर से इंतज़ार था और फाइनली आ गया है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों फंक्शनल है। जी दोनों फंक्शनल है, दोनों फंक्शनल है। तो एंड्रॉयड यूज़र्स भी और एप्पल यूज़र्स दोनों खुश हो जाओ, एंड्रॉयड ऑटो भी आ गया है और एप्पल कारप्ले भी आ गया है। तो पहले तो हम नया सॉफ्टवेयर वर्जन चेक कर लेते हैं कौन सा है, आप भी देख सकते हो कैसे चेक करना है। ये सेटिंग्स के बटन को आपने 8 बार टैप करना है, ये मेन्यू आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर वर्जन देख सकते हो। अब नया वर्जन आ गया 10.27.64। अब इस सिस्टम में जो एंड्रॉयड ऑटो आपको मिलेगा वो वायरलेस है, तो आपको वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ब्लूटूथ से अपने फ़ोन को कनेक्ट करो और आप एंड्रॉयड ऑटो यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, ब्लूटूथ पेयरिंग की है बस, और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो गया है। अब मैं नेविगेशन करके देखता हूँ, और वॉइस से भी आप कर सकते हो, नेविगेट टू शिमला, नेविगेटिंग टू शिमला। तो आप देख सकते हो सिस्टम बहुत फास्ट है बिकॉज आपके फोन का डेटा यूज हो रहा है, जो इसका बिल्ट इन सिम है वो बहुत स्लो है, उसको यूज नहीं कर रहे यहाँ पे, और फोन के थ्रू नेविगेशन हो रही है। इसके साथ साथ एक और अपडेट हुआ है इसमें कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले तो आया ही है, उसके साथ जो इसकी बिल्ट इन नेविगेशन है ना उसमें भी अपडेट कर दिया गया है। ये अब मैपल्स की तरफ से आती है, यहाँ आपको दिख जाएगा मैपल्स की तरफ से। ये भी मैप माई इंडिया का प्रोडक्ट है जो पहले प्रोवाइड कर रहा था सर्विस, बट ये थोड़ी अपग्रेडेड वर्जन लग रही है।
इंटरफेस जो है वो अच्छा है, बस इसका जो मुझे कीबोर्ड है ना वो अच्छा नहीं लगा। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी मतलब नैरो कीज हैं, साइज बहुत है लेकिन बहुत नैरो है कीज, थोड़ा इसको वाइड करना चाहिए था ताकि टाइपिंग ईजी हो जाती। अब जैसे मैं कसौली का लगा रहा हूँ, डायरेक्शंस ये पहले से मेरे को फास्ट लग रहा है बट अभी भी स्लो है। पहले से फास्ट इसलिए है, शायद मुझे डाउट हो रहा है कि ये फोन का वाईफाई भी यूज कर रहा है इसलिए थोड़ा पहले से बेटर परफॉर्म कर रहा है। एक डिफरेंस और आता है कि जब आप एंड्रॉयड ऑटो यूज़ कर रहे हो तो जब आपकी ड्राइवर कंसोल में दिखता है, जो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दिखती है, यहाँ पे आप नेविगेशन देख सकते हो बट यहाँ पे सिर्फ आपको एरोज देखने को मिलते हैं कि आपने सीधा जाना है, आगे लेफ्ट होगा तो लेफ्ट की एरो आ जाएगी, राइट होगा तो राइट की एरो आ जाएगी, यहाँ पे सिर्फ एरोज दिखती हैं। बट जब आप बिल्ट इन नेविगेशन यूज़ करते हो ना, इसको हम बंद कर देते हैं और हम जाते हैं नेविगेशन के अंदर। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब जब बिल्ट इन नेविगेशन हम लगा लेते हैं तो जो ड्राइवर कंसोल पे आपको देखने को मिलेगा वो आपको पूरा मैप देखने को मिलता है, उस पर जैसे आपको व्यू इधर आ रहा है मेन स्क्रीन पे, सेम व्यू आपको यहाँ मिल जाता है। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि अगर आप एलेक्सा यूज़ करते हो अपने व्हीकल के अंदर तो आपको अपना अकाउंट एक बार दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपडेट कराने के बाद। तो ये था लेटेस्ट अपडेट एंड्रॉयड ऑटो के रिगार्डिंग और एप्पल कारप्ले के रिगार्डिंग। तो आपने अगर अपडेट अभी तक नहीं करवाया है तो ज़रूर करवाएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसी के साथ दिस इज़ रमन साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।